दोस्तों मैं शाहबाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और आज आपको इस वीडियो में मैं इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर करना सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि किसी भी इंडक्शन कुकटॉप की इंडक्शन कॉइल को किस तरीके से चेंज किया जाता है और चेंज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कहाँ से आप इस इंडक्शन कॉइल को ख़रीदेंगे और किस तरीके से बाय करेंगे। तो फ्रेंड इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो देखते रहिए। और जो आज आप इंडक्शन कुकटॉप देख रहे हैं फिलिप्स का है और इसका मॉडल नंबर है 4929। और आप देखें जब मैं इस पर कोई गर्म करने के लिए कोई बर्तन रख रहा हूँ तो कुछ भी हरकत नहीं हो रही है और ये हीट नहीं हो रहा है। और कुछ देर चलने के बाद इंडक्शन कुकटॉप में E9 का एरर आ रहा है। और अब मैं आज आपको इस वीडियो में ये भी सिखाऊंगा कि इस E9 के एरर को किस तरीके से ठीक किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इंडक्शन कुकटॉप को ओपन करेंगे। फ्रेंड आप देखें, देखने से ही लग रहा है इसकी इंडक्शन कॉइल जल चुकी है, तो यह इंडक्शन कॉइल ख़राब है, इसीलिए इंडक्शन कुकटॉप हीट नहीं कर रहा है और चलाने पर इसके अंदर E9 का एरर आ रहा है। और जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हो सकता है E9 का एरर ठीक हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि आगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे पहले हम इसकी इंडक्शन कॉइल को चेंज करेंगे। तो फ्रेंड अब इसकी इंडक्शन कॉइल ख़राब हो गई है, इसके लिए आपको मार्केट से नई बाय करनी पड़ेगी। जैसे कि यह इंडक्शन कुकटॉप फिलिप्स का है तो चांसेस कम है कि फ़िलिप्स की ओरिजिनल मिलेगी। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की शॉप पर जाएं और वहां से एक इंडक्शन कॉइल बाय कर लें। फ्रेंड ये इंडक्शन कॉइल्स डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की आती हैं, इसलिए ज़रूरी यह है कि जो इंडक्शन कॉइल आपकी ख़राब हो चुकी है आप उसको लेकर जाएं जब आप नई ख़रीदने जाएं, तो तभी आप बेहतर और सही लगने वाली इंडक्शन कॉइल ख़रीद पाएंगे। और अगर आपको मार्केट से इसको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम आपके लिए यह इंडक्शन कॉइल डिलीवर कर देंगे। फ्रेंड ये इंडक्शन कुकटॉप की एक कॉइल है जो हम इस इंडक्शन कुकटॉप में लगाने वाले हैं। यह इंडक्शन कॉइल यूनिवर्सल है जिसको इस तरह के कई सारे इंडक्शन कुकटॉप में लगाया जा सकता है जिनका साइज़ इस इंडक्शन कुकटॉप के बराबर है, उन सभी में इस कॉइल को लगा सकते हैं। और फ्रेंड जब आप इसको लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कॉइल पर हाथ बिल्कुल ना लगाएं, वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, बहुत तेज़ आपको झटका लग सकता है। देखिए फ्रेंड इंडक्शन कॉइल चेंज करने पर E9 का एरर भी गायब हो गया और इंडक्शन कुकटॉप भी वर्क करने लग गया। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ना चाहता है इस तरह कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक को लाइक करना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।